Good afternoon. My name is Sangeeta. I'm your drawing teacher and this is your book, Little Artist. और आज मैं आपकी बुक से आपकी बुक में एक सेक्शन है सेक्शन सी. सेक्शन सी में हाउ टू ड्रॉ एंड कलर एंड लैंडस्केप. ठीक है, लैंडस्केप कैसे ड्रॉ करते हैं, उन पर कलर यूज करने के लिए. तो पेज नंबर 56 है. पेज नंबर 56 में आपका ये पिक्चर पूरा पेंसिल कलर का यूज़ हुआ है और हम इस पर पेंसिल कलर का यूज़ करेंगे. ठीक है, आज मैं आपको ये वाला वीडियो बना के इसका वीडियो बना के दे रही हूँ. ठीक है, आप लोग भी अच्छे से काम करना और ये वक्त मुझे इवनिंग तक सेंड करना. चलो आगे, अब मैं आपको वर्क कराती हूँ. आपकी बुक का पेज नंबर 66 है. हम इस पर लैंडस्केप वन कलरिंग है, हम इसमें पेंसिल कलर का यूज़ करेंगे और उसमें क्रॉस हैचिंग का यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम इमेज ड्रॉ कर लेते हैं, टॉप पर डेट, लैंडस्केप और पेंसिल कलर. अभी जो इमेज ड्रॉ हुआ उसके बाद हम लोग इस पर करेंगे पेंसिल कलर. ठीक है, ये फेवर कैसल के हैं और आपके पास भी पेंसिल कलर हैं तो इसमें बहुत सारे पूरे कलर्स हैं. ठीक है, 24 वाटर कलर्स विद पेंसिल ब्रश है. ठीक है, ये कलर थोड़े से जो आपके नॉर्मल कलर होते हैं पेंसिल कलर से उनसे सॉफ्ट होते हैं, तो हम इनमें से कलर सेलेक्ट करते हैं. सबसे पहले है पर्पल, फिर ब्लू. इसी में मेरे पास यही कलर्स छोटे उसमें भी है. ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप दोनों उसमें से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हमने लेना है, एक क्या करेंगे हम, एक आउटलाइन कर देंगे ऊपर से कि हमने इससे बाहर नहीं जाना. ठीक है, और पेज के चारों तरफ आउटलाइन. अब करेंगे हम हैचिंग में वर्क. ये देखिए, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लेते हुए, ऊपर से स्ट्रोक्स नीचे की तरफ लेते हुए. ठीक है, बहुत हल्के से काम करना है. ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबे स्ट्रोक्स चलेंगे. इसके स्ट्रोक्स हो चुके हैं और अब हम लेंगे डार्क ब्लू. ठीक है, इसे पर्शियन ब्लू भी बोलते हैं. और अब हम इसके स्ट्रोक्स, सारे आपने जो हैचिंग है आपने हैचिंग में ही करना है. ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ ब्लू कलर था. ठीक है, हैचिंग होना तो हो गया. और अब हमारा है स्काई ब्लू कलर.
सबसे पहले हम येलो कलर कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ तक येलो कलर है, और जहाँ जहाँ पे येलो कलर है पहले येलो कलर का आउटलाइन कर देते, उसके बाद स्काई कलर का पोर्शन करेंगे। ठीक है, येलो कलर में हम हैचिंग नहीं करेंगे, येलो कलर में सिर्फ हम कलर यूज़ करेंगे। बाकी पोर्शन पे हम लोग क्या करेंगे, येलो तो हो गया है, बाकी पोर्शन पे हम करते हैं स्काई कलर। ठीक है, स्काई और ब्लू जब दोनों के दोनों, आप ये ध्यान रखिएगा कि दोनों के दोनों मैच ना हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों के दोनों ग्रीन कलर में हो जाएंगे। लेते हैं रेड कलर फ्लैग के लिए, और ब्राउन कलर और रेड कलर से पूरा शिप की कलरिंग। सबसे पहले आउटलाइन कर देते हैं कि कहाँ तक आपको रेड कलर यूज़ करना है, क्योंकि उसके नीचे बोर्ड के नीचे नीचे वाला कलर ब्राउन कलर है।
अब इस एक एक करके हम लोग इस पे आउटलाइन कर लेंगे, और जिस पे जो कलर है उस पे वो कलर। सबसे पहले एक रफली स्ट्रोक्स आप उसमें चला लेंगे जितना आपको चाहिए। उसके बाद आप शेडिंग्स देंगे जितना आपको उसके ऊपर चाहिए। और आप डार्क कलर से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रोक्स डालेंगे। जहाँ पॉइंट्स बने हैं ना, तो वहाँ पे आप क्या ब्लैक कलर से शेडिंग करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है क्या, आपने एक एक करके सारी चीज़ की आउटलाइन भी आपने इसी से करनी है। और एक एक चीज़ को आप फिनिशिंग के साथ उसको उभारेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पर। मेन चीज़ है कि इसकी आउटलाइन की फिनिशिंग। ये देखिए, ठीक है, आपका ये पूरा एकदम पेंसिल कलर से आपका तैयार है। और ऐसे ही आप लोगों ने भी कम्प्लीटली तैयार करना है।